इज आई एम द ओनली वन हु डोंट लाइक कोक स्टूडियो न्यूज सॉन्ग मौजिज शरीफ, जिसे लंबे नाखूनों, छोटे बालों और अली सफर की फेवरेट निशा शफी और उनके सिंगर कम कॉमेडियन ज्यादा भाई पारस शफी ने गाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज के साथ मैं हूँ इरम जहीर। पाकिस्तान में इतनी तेजी से महंगाई नहीं पड़ती जितनी तेजी से मार्केट में रैप सॉन्ग्स आते हैं। आई मीन पेप्सी रैप, कोक रैप, चिली मिली रैप, क्रिकेट सॉन्ग रैप, फलाना रैप, टमकाना रैप। अब तो ऐसा लगता है कि गाड़ी में कहीं पेट्रोल की जगह रैप ही ना डालना पड़ जाए। वैसे रैप सॉन्ग्स को समझने के लिए दिमाग का 50% इस्तेमाल करना पड़ता है, और इतनी मेहनत कौन करे। पहले सॉन्ग्स हुआ करते थे जो अपनी डीप पोएट्री के लिए फेमस थे, जो आपको सालों याद रहते थे, लेकिन अब लिरिक्स याद करना क्या समझ में आना ही बहुत बड़ी बात है। खैर, अब बात करें कोक स्टूडियो के इस गाने की, तो वीडियो नो डाउट कमाल है। जैसे हर म्यूजिशियन को फोकस किया गया है वो तो काबिले सताइश है, लेकिन मेरे लिए सबसे अनोइंग मीशा शफी की भूतिया फिल्मों की भूतनी की तरह लंबे नाखून, जो उन्होंने दिखाए भी खूब हैं। ऊपर से फारिस शफी के रैप, जो मेरे तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़े। अगर आप लोगों को कुछ समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अब यहाँ कुछ लोग नेगेटिव कमेंटिंग करते हुए मुझे ये जरूर कहेंगे कि मैम आपको क्या पता कोक स्टूडियो क्या है, उसकी शान में गुस्ताखी करना तो माजअल्लाह जैसे बहुत बड़ा कोई कुफर कर दिया हो मैंने। तो भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोक स्टूडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स तो मुझे बहुत पसंद है। इवन के इस बार का कोक स्टूडियो तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जा रहा है। आप लोगों का अब तक कोक स्टूडियो का कौन सा गाना सबसे फेवरेट है मुझे बताना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।